कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू नाम से ही क्लियर है कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है बिजनेस के लिए तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इज द वैल्यू ए कस्टमर कंट्रीब्यूट बिजनेस यानी भी बिजनेस के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करता है कितनी वैल्यू कंट्रीब्यूट करता है कोई भी कस्टमर अपने पूरे लाइफ टाइम में जब तक कि वो कंपनी से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यानी सपोज करे कि आप एक कस्टमर है और आपने एक साल तक किसी कंपनी से हर महीने की परचेजिंग की तो आपने उसके लिए बारह हजार रुपए एक साल में कंट्रीब्यूट किया तो दैट इज योर वैल्यू फॉर वन ईयर फॉर दैट कंपनी तो इज द वैल्यू ए कस्टमर कंट्रीब्यूट टू योर बिजनेस ओवर द एंटायर लाइफ टाइम एट योर कंपनी यानी कि आपने पूरी जब तक आपने पूरे लाइफ में जितनी बार भी उस कंपनी से परचेज किया होगा उसको वैल्यू क्रिएट किया होगी तो वही आपका जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगा उस कंपनी के लिए तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि सी एल टी वी इज द प्रजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो और द वैल्यू ऑफ बिजनेस एट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर ड्यूरिंग हज और हर इंटायर रिलेशनशिप विद द तो यह प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर कैश फ्लो यानी कि आज की वैल्यू की आपके आगे आने वाले समय में आप हमें कितना जो है वैल्यू या जर, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक एंड इज यूज वाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कस्टमर सपोर्ट तो इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करना बाय अप्लाइंग सी एल टीवी मार्केटिंग मैनेजर कैन इजली अराइव एट द रूपी वैल्यू एसोसिएटेड विद ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एनी कस्टमर यानी कि अगर हम सीएल भी कैलकुलेट करते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो मार्केटिंग मैनेजर जो है वो आसानी से वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकता है है कि कौन सा कस्टमर हमारे लिए कितना है और उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हमारे पास फायदा होगा या नहीं होगा तो नॉर्मली क्या होता है कि लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर होना देन द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर यानी कि एक कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट सपोज करिए वन थाउजेंड आ रही है और उससे जो हमें कस्टमर से लाइफ टाइम वैल्यू जो मिल रही है वो उससे कम है तो फिर जो लाइफ टाइम वैल्यू वो कम है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे लिए वो कस्टमर बेनिफिटेबल नहीं है यानी कि उससे हमें लॉस हो रहा है तो आपका जो लाइफ टाइम वैल्यू है किसी भी कस्टमर से वो ज़्यादा होना चाहिए देन एक्वायरिंग दी कस्टमर यानी कि कस्टमर को जो भी सर्विसेज दे रहे हो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए उसकी लाइफ टाइम वैल्यू तो हमारे लिए वो बेनिफिट होता है तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि एक कस्टमर कितनी परचेज आप परचेजिंग करता है कितना कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट वैल्यू के टर्म्स में आपके बिजनेस पे पूरे इंटायर लाइफ टाइम में तो उसी को हम कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू तो आप बात करें कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो बेसिक फॉमूला है सीएलटीवी को कैलकुलेट करने का दैट इज़ एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन नंबर ऑफ रिपीट सेल इन एवरेज रिटेंशन टाइम एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब कि एक साल में ऑन एन एवरेज वो कितना आपसे परचेजिंग कर रहा है नंबर ऑफ़ रिपीट सेल कितनी बार परचेज कर रहा है और एवरेज रिटेंशन टाइम कितने साल तक जो है आपके साथ रुका हुआ है एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक हेल्थ क्लब है जहां पे कस्टमर वन थाउजेंड पे करता है एंड द एवरेज टाइम दैट ए पर्सन रिमेन ए कस्टमर इन योर क्लब इज थ्री इयर्स तो तीन साल तक हर महीने वो एक हजार रुपए आपको कंट्रीब्यूट करता है हेल्थ क्लब में तो फॉर्मले के अकॉर्डिंग क्या हो गया वन थाउजेंड पर मंथ इंटू मंथ इंटू थ्री इयर तो दैट इज थर्टी सिक्स थाउजेंड तो दिस मीन ईच कस्टमर इज ए लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ थर्टी सिक्स थाउजेंड यानी कि हर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी थर्टी सिक्स थाउजेंड होगी और जब हम एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी जो है एडवर्टाइजिंग के लिए जो है 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 हम एक्सपेंडिचर को तैयार कर सकते हैं कि हमें ऐड ऐड कितना 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 खर्च करना है, पे कितना करना है, पे कितना खर्च करना 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 टू एक्वायर न्यू कस्टमर तो ये कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है इसी तरीके से जो है दूसरा तरीका होता है कैलकुलेट करने का कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू दैट इज हिस्टोरिकल सीएलटीवी हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है कि पास्ट में उसने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसको ऐड कर दीजिए तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या है यानी कि सबसे पहली बार उसने कितने रुपए का तो दूसरी बार जब वो आया आपकी शॉप पे तो उसने कितने रुपए का खरीदा तीसरी बार आया तो कितने रुपए का खरीदा तो सबको ऐड कर दीजिए तो आपको उसकी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू पता चल जाएगी तो यहाँ पे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं एक होता है चर्न रेट चर्न का मतलब कि मूव आउट करना कितने लोग चले गए चर्न रेट तो चर्न रेट इज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु एंड देयर रिलेशनशिप व्यवस्थ विथ योर सर्विस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड यानी किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने कस्टमर्स आपकी कंपनी को छोड़ के आपके बिजनेस को छोड़ के चले गए किसी दूसरे बिजनेस से जुड़ गए तो ही आपका चर्न रेट होता है आप सपोज करिए कि वन थाउजेंड कस्टमर्स थे जिसमें से दस कस्टमर आपके पिछले महीने छोड़ के चले गए तो आपका चर्न रेट क्या हो गया दैट इज़ वन परसेंट उस मंथ का चर्न रेट क्या हो गया वन परसेंट और यू आर ऑलवेज गोइंग टू हैव हमेशा किसी न किसी कंपनी में कुछ ना कुछ चन रेट होता है और यहाँ ही पे जो है आपको मैनेज करना होता है अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना होता है कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करना होता है जिससे कि सब्सक्रिप्शन रेट ज़्यादा हो और चन रेट कम हो

कहते हैं तो नॉर्मली जनरेट क्या था कि जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में वन परसेंट था तो नाइन परसेंट तो आपके साथ नाइन नाइन परसेंट हो गया, 99 हो गया। तो ये जो कि सीएल से अटैच होता है तो फॉर्मूला आपको याद रखना है एवरेज ऑर्डर वैल्यू इन नंबर ऑफ रिपीट सेल इन एवरेज रिटेंशन टाइम है या फिर दूसरा हिस्टोरिकल जो कि, आपने देखा कि सभी ट्रांजेक्शन को ऐड कर दीजिए कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू पता चल जाएगी अब बात कर ले है कि जरूरी क्यों नहीं होगा क्योंकि आप जो है इससे एक पिक्चर मिल जाता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में उसकी फाइनेंशियल कैसी होगी ठीक है इससे जो है आप अपनी मार्केटिंग प्लान प्रोडक्ट डेवलपमेंट एडवर्टाइजिंग को प्लान कर सकते हैं हाई सी एलवी इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट ब्रांड लॉयल्टी एंड रिकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम एक्जिस्टिंग कस्टमर यानी कि जितना ज्यादा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगा वो इंडिकेट करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में फिट है ब्रांड लॉयल्टी भी वहां पर है और रिकरिंग रेवेन्यू यानी कि बार बार रेवेन्यू आता रहेगा कस्टमर्स आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे मोर फ्रिक्वेंट ऑर्डर्स बार बार जो है जो है ऑर्डर्स आएंगे आपके पास एक लगातार कैश फ्लो बना रहेगा आपके पास कंपनी के पास और फाइनली कंपनी क्या है वो ग्रो करेगी तो ये जो है बेनिफिट होता है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करने का क्योंकि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करके आप उसके अकॉर्डिंग उस पर डील करेंगे वर्क करेंगे और जब उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे या फिर जो है अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे तो कस्टमर वैल्यू का यूज़ करके जो है आप वैल्यू कर सकते हो किसी बिजनेस का यानी कि आपकी बिज़नेस कितनी वैल्यूएबल है ये डिपेंड करता है कि कस्टमर की वैल्यू कितनी है आपके लिए कस्टमर आपके प्रोडक्ट को वैल्यू करता है कि नहीं करता कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है या अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू देता है तो यानी कि आपके बिज़नेस की भी वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी क्लियर क्योंकि वैल्यू ज़्यादा देगा तो परचेज ज़्यादा करेगा परचेज़ ज़्यादा करेगा तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपकी बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो कहते ना यूजिंग कस्टमर वैल्यू टू वैल्यू बिज़नेस तो कस्टमर वैल्यू कितना कर रहा है उसके बेसिस पे आप अपने बिज़नेस के वैल्यू कर सकते हैं यू ऑल द बेस्ट कीप वॉचिंग